यमुनानगर के सरस्वती नगर में आज सुबह भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह के समर्थन में वोट मांगने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। यहां तक कि उन्होंने एक तरफा कहा कि अपना रिचार्ज कराने के लिए सरस्वती मंदिर नगर पहुंचे हैं, तो वहीं उन्होंने राहुल को पप्पू बताते हुए कहा कि चुनावी मौसम में पप्पू बेबाक में जाकर बैठ गया है। एक यमुनानगर में आज सठौरा से भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री लोगों की भीड़ को देखकर गदगद हुए और उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती की पावन धरती पर आज बलवंत सिंह के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज 5 साल की जनता की सेवा करते करते अब उनका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो रिचार्ज कराने के लिए सरस्वती नगर पहुंचे हैं। तो वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों की गिनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी, जिन्हें प्यार से पप्पू कहते हैं, वह चुनाव के दिनों में नाराज होकर बैंकॉक जाकर बैठ गए हैं। रूठे भी ऐसे जैसे कोई बच्चा रूठ जाकर बैठ जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि राहुल के जाने से पहले कांग्रेस को यह भी कहा था कि गांधी परिवार से हटकर किसी न किसी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ढूंढने के बाद कांग्रेस को नई अध्यक्ष नहीं मिली कि गांधी परिवार से हटने की बात पर मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी की तारीफ भी की। नहीं करें, आज वैसे तो मैं उसी बात के लिए आया हूं कि हमारा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, हम आपसे रिन्यू कराने के लिए आए हैं। हमारा लाइसेंस रिन्यू करोगे? कहते कर दिया। चुनाव चुनाव होता है, भूलना नहीं चाहिए। क्रोध आ गया, कहा कि नहीं नहीं मैं अपना इस्तीफा देता हूं, गांधी परिवार से बाहर का कोई आदमी अध्यक्ष बना लो। गांधी परिवार का मत बनाना सोच अच्छी थी कि परिवारवाद से बाहर निकले। लगा कि भाई समझ आ गई, तेरा ही सवेरा ही कोई बात नहीं। लगे ढूंढने अध्यक्ष को, 15 दिन 20 दिन महीना सारे देश भर में घूमे कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति मिल जाए अध्यक्ष बनाएंगे। 3 महीने लग गए ढूंढने में, दीपक लेके ढूंढो रहे अध्यक्ष कहां गया, अध्यक्ष नहीं मिला। आखिर में क्या हुआ, किसको बनाया अध्यक्ष, किसको बनाया भाइयों, सोनिया माता। पटेल खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। क्या निकाला इसमें से, तमाशा किया। और भाई पप्पू को गुस्सा आया, जाकर के बैंकॉक बैठ गए। हम तो सोचते हैं हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, कहीं प्रचार में आएंगे। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री भी पूरे दौरे कर रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं। चुनाव के समय ऐसा रूस गए जिसे बच्चा रूसता है। मुझे लगता है उनके घर में द्वंद्व चल रहा है। शायद कांग्रेस की भी 2 पार्टियां चल रही है, एक राहुल पप्पू की कांग्रेस और एक सोनिया माता की कांग्रेस, वहां भी झगड़े चल रहे हैं। और अब तो उनके बड़े बड़े नेता वही ब्लेम करने लगते हैं